स्वामी श्री राजदास जी महाराज बचपन से ही बाल स्नेही रहे हैं। कालिम्पोंग से गुरु जी श्री 108 मंगलदास जी महाराज से आशीर्वाद लेकर श्री दयाल दास जी महाराज ने हरियाणा के हिसार स्थित कैमरी गांव में बालक राजदास को लाकर एक छोटा सा बाल आश्रम खोला। उनका लालन पालन तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा दी गई। हर प्रकार के संस्कार से संस्कारित होकर बालक राजदास बाल सेवा आश्रम के संचालक स्वामी राजदास जी महाराज के रूप में समाज को प्राप्त हुए। स्वामी राजदास जी महाराज कैमरी हिसार में पिछले 40 वर्ष से श्री कृष्ण प्रणामी बाल सेवा आश्रम में कई अनाथ बच्चों का लालन पालन और संस्कारित शिक्षा दे रहे हैं। और साथ में वृद्धाश्रम, अनाथ और असहाय की विवाह, गौशाला, चैरिटेबल हॉस्पिटल का भी संचालन कर रहे हैं। आइए ऐसे असहायों के सहारे स्वामी श्री राजदास जी महाराज के मुखारविंद से महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी वर्ष के परिवेश में श्रवण कीजिए श्रीमद् भागवत कथा। तब संत ने कहा, अरे आत्मदेव, मैंने कल कहा था ना, तीन तरह के लोग होते हैं ये धरती पर। तीन तरह के लोग, एक तो पूरे नास्तिक होते हैं जो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते, और दूसरे पूरे आस्तिक होते हैं जो भगवान को पूर्ण रूपेण मानते हैं, समर्पित हो जाते हैं, और तीसरे कौन, न पूरे नास्तिक न पूरे आस्तिक, बीच वाले, वो बड़े खतरनाक। आत्मदेव न आस्तिक है न नास्तिक है, वो तो भगवान को दोष देने वाला। तब संत ने समझाया, अरे आत्मदेव, या तो तू परमात्मा को पूर्णतया समर्पित हो जा, और यदि परमात्मा को मानता है तो ये समझ ले कि परमात्मा जो करते वो ठीक ही करते। तुम अपने कर्मों को यदि दोष नहीं देना चाहते हो, परमात्मा को दोष दे रहे हो, तो परमात्मा जो करते वो ठीक करते। कैसे ठीक करते हैं? एक राजा अपने महल में बैठा बैठा चाकू से कुछ काट रहा था, और अचानक उसकी उंगली कट गई। उंगली कट गई, राजा को दर्द हुआ, खून बहने लग गया। लेकिन उसका जो मंत्री था ना, उसने कहा, राजन, रोने की क्या बात है, भगवान जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। आपकी उंगली कट गई है ना, तो आप भगवान को दोष मत दो, क्योंकि भगवान जो करते वो ठीक ही करते हैं। अब तो राजा को बड़ा गुस्सा आया, कल को मेरी गर्दन कट जाएगी तो क्या कहेगा, भगवान ने अच्छा ही किया, तेरा जैसा मंत्री मुझे नहीं चाहिए। और मंत्री को धक्का मारकर निकाल दिया, निकल जा। और जाते जाते मंत्री के मुख से निकल गया, भगवान ने ये भी अच्छा ही किया, मुझे आपने निकाला ये भी अच्छा ही हुआ, भगवान जो करते ठीक करते। राजा को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा आया भगवान का बच्चा, निकाल दिया, एक दूसरा मंत्री रख लिया। और एक बार की बात है, वो राजा अपने दूसरे मंत्री को साथ लेकर जंगल में शिकार करने के लिए चला गया। जंगल में शिकार करता करता घनघोर जंगल में पहुंच गया, रास्ता भटक गया, भीलों ने पकड़ लिया। नवरात्रि के दिन थे, भीलों ने कहा, अच्छा हुआ, देवी को हम नर बलि चढ़ाएंगे। भीलों के राजा ने कहा कि कई वर्षों से इच्छा थी कि हम देवी मैया को नर बलि चढ़ाएं, लेकिन कोई नर मिल ही नहीं रहा था, अच्छे तकड़े तकड़े दो आदमी मिल गए हैं, देवी के आगे बलि चढ़ाएंगे। और दोनों को नहला धुला कर अच्छे अच्छे कपड़े पहनाकर देवी के मंदिर में ले जाया गया। राजा ने, भीलों के राजा ने पुजारी से कहा, दोनों को बलि चढ़ानी। लेकिन पुजारी ने कहा, राजन रुको, जरा देखो किसी का अंग भंग तो नहीं, क्योंकि देवी देवताओं को यदि कोई अंग भंग हो तो स्वीकार नहीं करते हैं। गला सड़ा कटा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ, कभी नहीं चढ़ाना चाहिए मंदिर में देवी देवताओं को। कई लोग बड़े चालाक होते हैं,
फलों की दुकान पर जाते हैं, मंदिर में फल चढ़ाना है, तो फल वाले से पूछते हैं, जी सस्ते से सस्ता फल कौन सा है मंदिर में चढ़ाना, गला हुआ सड़ा हुआ है, फिर वो मंदिर के लिए। और घर में रिश्तेदार आ जाए तो सबसे बढ़िया वाला महंगे वाला बताना। नियत में जब यही फर्क हो गई तो भगवान कैसे कृपा करेंगे। इतना बड़ा फर्क नियत में, कोई मेहमान आ जाए तो अच्छे अच्छे फल लेकर जाते हैं, और भगवान के मंदिर में जाना है तो, भगवान को चढ़ाना है तो गला हुआ सबसे निकृष्ट। पुजारी ने कहा कि जरा देखो किसी का अंग भंग तो नहीं है, मंत्र तो बिल्कुल साफ था, कोई अंग भंग नहीं था, का चढ़ा दो इसको। अब राजा की बारी आई, राजा के सामने मंत्र का सिर काटा गया, नरबलि चढ़ा दी गई। अब राजा की बारी आई, राजा कांप रहा है, लेकिन सैनिक ने कहा महाराज इसकी तो उंगली कटी हुई है, इसका तो अंग भंग है, का मारो इसको निकालो, ये देवी के काम का नहीं है, चढ़ाने योग्य नहीं है। और धक्का मारकर उस राजा को निकाल दिया गया। अब राजा के विचारों में परिवर्तन आ गया कि परमात्मा कितने कृपालु, परमात्मा कितने दयालु हैं कि मेरी उंगली काटकर गर्दन की रक्षा कर दी। और वो मंत्री कितना अच्छा, उस मंत्री ने सही कहा, कहा कि भगवान जो करते वो ठीक करते हैं। राजा पश्चाताप करता हुआ अपने महल में पहुंचा किसी तरह, और महल में जाते सबसे पहले सैनिकों को आज्ञा दी, जा उसी मंत्री को लेकर आओ, मुझसे गलती हो गई, मैं माफी मांगूंगा। उस मंत्री को लाया गया और राजा ने मंत्री से कहा, हे मंत्री तुमने ठीक कहा था कि भगवान जो करते वो ठीक करते, भगवान जो भी करते हैं वो ठीक करते हैं, तुमने सही कहा। उस दिन मेरी उंगली नहीं कटी होती तो आज मेरी गर्दन काट दी गई होती, ये तो मैं मान गया, लेकिन तुम ये बताओ जब मैंने तुम्हें धक्का मारकर निकाला तो जाते जाते तुमने भी कहा कि ये भी अच्छा ही किया कि आपने मुझे धक्का मारकर निकाल दिया, इसे मैं अच्छा क्या हुआ? तेरा मंत्री पद छीन लिया गया, तेरा मैंने कितना बड़ा अपमान किया, धक्का मारकर निकाला और तुम्हारे मुख से जाते जाते निकला, भगवान ने ये ठीक किया तो क्या ठीक हुआ? मंत्री ने कहा महाराज ठीक हुआ, यदि आप मुझे धक्का मार कर नहीं निकालते ना, उस मंत्री की जगह मेरी बलि चढ़ा दी गई होती, क्योंकि मैं हमेशा आपके साथ रहता हूँ। ये भी अच्छा ही हुआ कि आपने मुझे निकाला, और आज ये अच्छा होगा हो गया कि आपने मुझे पुनः यहाँ पर बुला दिया। बोलो कृष्ण का नहीं अला आत्मदेव कहता महाराज मुझे ज्ञान नहीं चाहिए, ज्ञानी तो मैं बहुत हूं, आपके पास देने के लिए कुछ है ना तो मुझे वरदान दो कि मेरे यहाँ पर संतान हो जाए, ज्ञान नहीं चाहिए, क्योंकि आजकल ज्ञान लेने वाला कोई है ही नहीं। माता पिता बच्चों को बोलते हैं ना बेटा ऐसा करना ऐसा नहीं करना, मतलब बेरा है, कोई जरूरत को नहीं बताने की। आजकल माता पिता भी डरते हैं कि बच्चों को कुछ बता दिया ना, बड़ी हद की बात हो गई, बेटे माता पिता के नहीं सुनते हैं, शिष्य गुरुओं के नहीं सुनते, गुरु भी कुछ शिष्य से कहे तो शिष्य को क्रोध आता है कि गुरुजी ने मुझे ये क्यों कहा, क्या मुझे मुझे पता नहीं है, मुझे याद नहीं। और माँ बाप भी यदि बेटों से कुछ कहें, बच्चों से कुछ कहें, बेटी बिटिया से कुछ कहें, तो बेटे बिटिया क्या सोचते हैं, माता पिता तो अनपढ़ है, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे तो हम है, माता पिता को अनपढ़, लेकिन ध्यान देना पढ़ने से ज्यादा गुणना अलग बात है, एक्सपीरियंस अलग बात है, अनुभव अलग बात है। माता पिता और गुरु अपने अनुभव की ही बात करते हैं, शिष्य माने या ना माने, बेटा माने या ना माने। आत्मदेव ने कहा महाराज ज्ञान नहीं चाहिए, कृपा करो संतान हो जाए। फिर भी संत ने सोचा कि आत्मदेव को मैं और भी समझाऊं, और संत ने आत्मदेव से कहा हे आत्मदेव सुनो, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे,
तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, में कांटे, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, ओ तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण होगा। जय जय हरि बोल। बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर, पहले बनती है तकदीरे फिर बनता है शरीर, पहले भी प्रभु की कारीगरी है, ये भी प्रभु की कारीगरी हो, ये भी प्रभु की कारीगरी है, ये भी प्रभु की कारीगरी। अरे तू क्यों है गंभीर, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई हरी बाबा। फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं एक झोली में कांटे, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। जय हो हरि बोल। धाग पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, धाग पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, धाग पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान, धाग पे डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। काट चींटी से भी मिट सकता है, 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 किसी का नाम निशान, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, कांटों पर भी सो कर आए, कांटों पर भी सो कर आए,
कांटो पर भी सो कर आए, कांटो पर भी सो कर आए, किसी के मन को चैन, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं, ये तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सागर से भी पूछ नहीं सकती किसी के मन की प्यास, सागर से भी पूछ नहीं सकती किसी के मन की प्यास, सागर से भी पूछ नहीं सकती किसी के मन की प्यास, सागर से भी पूछ नहीं सकती किसी के मन की प्यास, कभी कभी तो एक बूंद से, कभी कभी तो एक बूंद से, कभी कभी तो एक बूंद से, कभी कभी तो एक बूंद से मिट जाती है प्यास, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं हो, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तेरे वश में कुछ भी नहीं है, तो बांटने वाला बांटे, अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण हो। जा दिन ते वो नंद को छोरा, सपने में बंसी बजाए गयो है, मन ना लागे अब जा जग में, ऐसो प्रेम को रंग चढ़ाए गयो है। महामती प्राणनाथ चतुर्थ शताब्दी महोत्सव के पावन प्रसंग में श्रवण कीजिए परम पूज्य स्वामी श्री राजदास जी महाराज के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत कथा, प्रतिदिन रात्रि 9:20 पर सिर्फ जय पावस चैनल पर।